Hey guys, in this lecture I'm going to talk about the types of stem. Almost यहाँ पे हम 6 types of stem पढ़ेंगे और इसकी जो classification है वो according to form and nature of the stem है कि किस form में आपके पास stem होगा, किस nature का stem होगा. अभी आपको समझ आ रहा है कि इस सारी जो conditions यहाँ रखी गई है इसका क्या मतलब है. अच्छा, तो first one है यहाँ हमारे पास जो types of stem है ना, उसमें जो first one है that is herbaceous. Herbaceous. अगर आपको आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा हो, वहाँ पे हमने पढ़ा था हर्ब्स के बारे में, श्रब्स एंड ट्रीज. तो हर्ब्स में हमने कहा था कि ये किस किस्म के प्लांट्स होते हैं जिनमें सॉफ्ट स्टेम होती है. तो यहाँ पे भी हर्बेशियस स्टेम का यही मतलब होता है कि जो इनकी स्टेम होगी वो क्या होगी, वो सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट एंड ग्रीन इन कलर. ज़्यादातर ये कौन से कलर में होती है, ग्रीन इन कलर होती है एंड सॉफ्ट होती है. एंड इसको इजीली बेंट भी किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है और ये बहुत जल्दी टूट भी जाती है. इट कैन इजीली बी ब्रोकन एंड बेंट, दोनों जो हैं ये इजीली हो सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, लेट्स सपोज हमारे पास किस चीज़ की स्टेम है, मेंट की स्टेम आप कंसिडर करो या फिर ब्रासिका की जो स्टेम होती है उसे कंसिडर करो. ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है हर्बेशियस स्टेम के. वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों को ले रहे हैं एज एन एग्जाम्पल. सेकेंड है, सेकेंड टाइप ऑफ स्टेम हमारे पास जॉइंटेड स्टेम. तो नेम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो जॉइंट्स वाला होगा. एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो जॉइंटेड जो स्टेम्स होती हैं इनमें ऐसे स्टेम्स आती हैं जो कि जिनके जो नोड्स होते हैं वो स्वॉलन होते हैं, स्वॉलन नोड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइंड में लेकर आए ग्रासेस को, तो ग्रासेस के जो नोड्स होते हैं वो स्वॉलन होते हैं और जॉइंट होते हैं, नोड फिर इंटर नोड फिर नोड इस तरह से होते हैं. ठीक है, तो स्वॉलन नोड्स होते हैं तो क्लियरली उसमें जॉइंट्स जो होते हैं वह हमें नजर आते हैं. थर्ड टाइप है यहाँ पे वुडी, वुडी स्टेम भी हो सकता है. अब वुडी स्टेम का क्या मतलब होता है, वुडी स्टेम का यही मतलब होगा ना कि ये जो स्टेम होगा द स्टेम विल बी हार्ड इन नेचर, द स्टेम विल बी फिर स्ट्रांग इनफ, राइट, दैट कुडंट बी इजिली ब्रोकन डाउन और बेंट डाउन. ओके, तो यहाँ पे जो वुडी स्टेम है ये हार्ड इन टेक्स्चर होगा, हार्ड इन टेक्स्चर. और एग्जाम्पल में जितने भी आपके पास वुडी प्लांट्स हैं ये सारे क्या हैं, ये है वुडी स्टेम. इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वुडी स्टेम. फॉर एग्जाम्पल कैलाट्रोपस, कैलोट्रोपिस जो प्लांट होता है उसकी स्टेम को आप कंसिडर करो. कैलोट्रोपिस का प्लांट हो गया, मैंगो का प्लांट हो गया, मैंगो के प्लांट की स्टेम भी वुडी होती है. इसके अलावा और क्या हो सकता है, एकेशिया भी हम उसमें वुडी में कर सकते हैं कंसिडर. और वुडी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कैशिया फेस्टुला है, कैशिया फेस्टुला. ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं हमारे पास वुडी स्टेम वाले प्लांट्स की. ओके, फोर्थ वन है सकुलेंट. सकुलेंट का क्या मतलब होता है, क्या आपको पता है कि सकुलेंट किस तरह के स्टेम्स होंगी. सॉरी, यहाँ पे यू है बच्चों. सकुलेंट का मतलब होता है कि ये जो भी स्टेम होगी ये सॉफ्ट भी होगी इन नेचर एंड जूसी एंड फ्लैशी होगी. वाटर की कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो जूसी जूसी स्टेम होती है, फ्लैशी स्टेम होती है एंड इसके अलावा थिक होती है. फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करो ये किस तरह के स्टेम होते हैं, ये होते हैं फ्लैशी एंड थिक. एग्जाम्पल है यहाँ पर ओपनशिया. एक्चुअली ये रूट की मॉडिफिकेशन है, टाइप ऑफ सॉरी रूट की नहीं, स्टेम की मॉडिफिकेशन में भी हम इसको पढ़ते हैं ओपनशिया. ठीक है, तो ओपनशिया की जो स्टेम होती है दैट इज सकुलेंट इन नेचर. नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ टाइप है वो है स्पाइनी. स्पाइनी का क्या मतलब होता है, ऑफकोर्स इसमें स्पाइंस मौजूद होंगे, स्पाइंस यानी कांटे इनमें होंगे. ठीक है, तो जितने भी सारे स्टेम हैं आपके पास जिनमें स्पाइंस हो उसको हम स्पाइनी कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो स्पाइंस होंगे या तो स्पाइंस मौजूद होंगे, स्पाइंस भी हो सकते हैं और थॉर्न्स भी हो सकते हैं. ठीक है, दोनों कांटों की डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो ये मौजूद होंगे स्टेम के सरफेस पे. फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो रोज का जो प्लांट होता है वहाँ पे भी स्टेम पे कांटे होते हैं, एकेशिया के स्टेम में भी कांटे होते हैं और इस तरह से कुछ जो हमारे पास लेमन है इसकी कुछ वेराइटीज ऐसी हैं जिनके स्टेम में कांटे होते हैं. ठीक है, या जो हमारे पास और भी बहुत सारे प्लांट्स आ सकते हैं लेकिन चलो अभी तक इतने एग्जांपल्स, इट्स इनफ. ओके, फिर सिक्स टाइप पे आते हैं. सिक्स टाइप है हमारे पास टाइप ऑफ स्टेम, तो वो है फेस्टुलर. फेस्टुलर क्या होता है, ये होता है होलो. ठीक है, यहाँ पर जो इंटर नोड्स होंगे इंटर वो क्या होंगे, वो होलो होंगे. तो कोई भी चीज़ जो होलो होता है उसके लिए हम फेस्टुलर वर्ड यूज़ कर सकते हैं. लाइक होलो का मतलब इस तरह से ट्यूब लाइक, जैसे ये है. ठीक है, अंदर से खाली,
इस तरह से। तो एग्जाम्पल है हमारे पास फेस्टुलर स्टेम की, बैम्बू, वहां पे आपको इंटरनोड्स होलो मिलते हैं। ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टेम, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट वन पढ़ा कि हर्बेशियस स्टेम होता है। हर्बेशियस स्टेम क्या होता है? सॉफ्ट एंड ग्रीन इन कलर होता है, इसको इजीली ब्रोकन, इजीली ब्रेक भी हो जाता है, बेंट भी हो जाता है। एग्जांपल है मिंट और ब्रासिका। जॉइंटेड में जो नोड्स होते हैं वो स्वॉलन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस। वुडी में हार्ड इन टेक्सचर स्टेम होता है, एग्जाम्पल है कैलाटोपिस, मैंगो, एकेशिया, कैशिया फेस्टुला। एंड सकुलेंट में फ्लैशी, जूसी एंड थिक स्टेम होती है, फॉर एग्जाम्पल ओपंचिया है। एंड नंबर फिफ्थ है स्पाइनी, यानी स्पाइनी स्टेम जो होता है, इसके स्टेम के सर्फेस पे आपको स्पाइन या थॉर्न्स नजर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप रोज को कंसीडर कर सकते हैं, एकेशिया या लेमन की कुछ वैरायटीज हैं। एंड सिक्स्थ वन है कि जहाँ पे फेस्टुलर इसका नाम है और इंटरनोड्स यहाँ पे होलो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बैंगू। दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर, होप सो यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।